जब मैं 16 साल की हुई तब मेरे को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का ऑफर आया। अच्छा मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड एक पेजेंट था जिसमें मैंने अंडर 18 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इंटरनेशनल वाह, पेजेंट था। अच्छा हाँ, उसमें 25 कंट्रीज की लड़कियां आई थी, तो मैंने वो किया। उसके बाद मैं थर्ड पोजीशन पे आई, मतलब मैं जीती, तो आई वाज सेकंड रनर अप। वो किया मैंने, उसके बाद एकदम सब कुछ शट डाउन हो गया उसके इमिजिएटली बाद। तो जो 16 साल की मैं थी और 17 साल की थी, उसके बीच में बहुत गैप था, और गैप के साथ साथ लॉकडाउन था। तो मैंने कहा भाई अब तो कोई काम नहीं हो पाएगा, मैंने अपना सोशल मीडिया एक्टिव किया। मैंने कहा यार रील्स वील्स बनानी है, ये सब करना है। रील तब तक निकल गई थी, नहीं नहीं आई थिंक जब मैं 16 की होंगी तो तब तक रील्स बनानी शुरू हो गई। टिकटॉक टिकटॉक बैन हुआ था तब, करेक्ट। टिकटॉक बैन हो गया था और रील का वो जो फॉर्मेट था वो शुरू हो गया था। तो मैंने कहा भाई तो करना है, ये करते हैं। फिर मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने होस्टिंग की, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को एंकरिंग में डाल दिया सो दैट स्पीकिंग स्किल्स थोड़े अच्छे हो जाएं, कल के दिन अगर कहीं कुछ बोलना पड़े तो स्पीकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाए। तो उन्होंने मेरे को डाल दिया एंकरिंग।